हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सीयूसी वेरियर गेमिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लावा लून अटैक स्ट्रेटजी, जो कि टाउन हॉल 13 की मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, जो कि वार या फार्मिंग या फिर पुशिंग तीनों के लिए वर्क करती है। मोस्टली इस स्ट्रेटजी का यूज प्रो अटैकर्स करते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इस अटैक स्ट्रेटजी का यूज कैसे करना है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हीरोज लेवल पे आते हैं। आपकी क्वीन 70 या फिर 70 प्लस होनी चाहिए, आपका वार्डन 45 या फिर 45 प्लस होना चाहिए, और आपकी रॉयल चैंपियन 15 या फिर 15 प्लस होनी चाहिए, और लास्ट आपका किंग 60 या फिर 60 प्लस है तो बेहतर है, लेकिन मैं 50 लेवल का यूज करूंगा क्योंकि मेरे पास 50 लेवल का किंग था। अब आते हैं आर्मी कंपोजिशन की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आर्मी सभी बेसिस के लिए बेस्ट है। अगर पुशिंग या फिर फार्मिंग करते हैं तो ये आर्मी आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है। अगर वार में इस आर्मी का यूज कर रहे हैं और सारे इन्फर्नो मल्टी टारगेट पे हैं, तो आप बेस के हिसाब से एक हील या फिर एक रेज ले सकते हैं दो फ्रिज की जगह। और सीज में आपको ब्लिम का यूज करना है। अगर आपको टाउन हॉल क्वीन वॉक से मिल जाता है या फिर क्वीन चार्ज से, तब आपको ब्लिम में डबल यत्ती और एक वालकरी यूज करना है, जिसका यूज हम स्कैटर शॉट को डाउन करने के लिए करेंगे। और अगर आपको क्वीन चार्ज से टाउन हॉल नहीं मिलता है, तब आपको ब्लिम के साथ ड्रैगन और लून्स का यूज करना है, जो कि हमारे लावा लून्स के साथ जाएगा और टाउन हॉल को ब्रेक करेगा। अब आता है हमें इस आर्मी का यूज कैसे करना है। इस आर्मी का यूज हम बहुत तरीकों से कर सकते हैं। आपको बेस के हिसाब से क्वीन चार्ज स्टार्ट करना है। अगर टाउन हॉल कॉर्नर साइड में है, तो आपको सबसे पहले टाउन हॉल के लिए जाना है। टाउन हॉल के साथ साथ में आपको एनिमी की सीसी भी क्वीन चार्ज से डाउन करनी पड़ेगी। उसके बाद एक स्कैटर आपको ब्लिम्स लेना पड़ेगा, और सेकेंड स्कैटर को आपको रॉयल चैंपियंस लेना पड़ेगा। अगर स्कैटर ज़्यादा अंतर है तो आपको लावा लून स्टार्ट कर देना है, और लावा लून के साथ आपको रॉयल चैंपियन का यूज करना है, और रॉयल चैंपियन उस साइड से यूज करना है जिस साइड से वो किंग से फाइट ना ले, जिससे आपका रॉयल चैंपियन बचा रहेगा और वो इजीली स्कैटर को डाउन कर लेगा। अगर आपको टाउन हॉल नहीं मिल रहा है, तो आपको एनिमी के क्वीन और एनिमी के स्कैटर के लिए जाना होगा, और साथ में एनिमी का सीसी भी डाउन करना पड़ेगा क्वीन चार से। क्वीन चार से वैल्यू लेने के बाद आपको रॉयल चैंपियन का यूज बहुत ही वाजिली करना है। उसका यूज करना है एक स्कैटर शॉट डाउन करने के लिए, जो कि आपके अटैक के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और ये कोई भी बेस इजीली ट्रिपल निकल जाएगा। अगर स्कैटर बेस के कोर में है, तो आपको रॉयल चैंपियन का यूज लावा लून के साथ करना है, और लावा लून के साथ ही आपको ब्लिम का यूज करना है, जो कि सीधे टाउन हॉल पर जाएगा और टाउन हॉल को ब्रेक करेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, तो चलते हैं अटैक रिप्ले की तरफ, क्योंकि वहाँ मैं आपको अच्छी तरह से बता पाऊँगा कि आपको कैसे यूज करना है किस आर्मी का। तो आ चुके हैं हम अटैक रिप्ले की तरफ। जैसा कि आप बेस देख रहे हैं, इस बेस में हमें टाउन हॉल मिल रहा था, लेकिन टाउन हॉल के पास सिंगल टारगेट था, जो कि हमारे क्वीन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता, इसलिए हमने अटैक स्टार्ट 3 o'clock से किया, जहाँ से हमें स्कैटर और साथ में ईगल भी मिल रहा था, और उसके साथ साथ हम एनिमी की क्वीन को भी लेने की कोशिश करेंगे। तो हमने स्टार्ट कर दिया है अटैक। हमने फनल क्रिएट करने के लिए 2 बेबी ड्रैगन का यूज किया है। अगर आपके पास एक ही बेबी ड्रैगन है, तो आप एक तरफ से किंग से भी फनल क्रिएट कर सकते हैं, और साथ में मैंने सुपर वाल ब्रेकर दे दिया था, जो कि वाल ब्रेक करने का काम किया, और हमारी क्वीन सीधे अंदर चली गई। और क्वीन पे बहुत ज़्यादा हैवी डैमेज हो रहा था, इसलिए हमने उसके ऊपर एक रेज का यूज कर दिया। आपको लगभग 1.5 मिनट तक क्वीन पे प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा, ताकि आपकी क्वीन मरे नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज ले। और आपको हीलर्स डिप्लॉय करने से पहले आपको एक कोको लून दे देना है, और एक बाद में देना है जब क्वीन अंदर चली जाए, जिससे आपकी हीलर्स मरे नहीं। तो इनमी का सीसी आ चुका है, तो हम वहाँ पॉइजन दे देंगे, हमारी क्वीन इजीली उसको टेक डाउन कर लेगी। लेकिन इनमी के सीसी में पिक्का निकला है, तो हमें रेज का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पिक्का बहुत ज़्यादा हैवी डैमेज करता है। अब इनमी का सीसी मर चुका है, अब हमारी क्वीन इजीली इनमी के ईगल को डाउन कर लेगी। उसके बाद हमने वॉल ब्रेक कर दिया है कि क्वीन लेफ्ट साइड आए और इनमी के क्वीन को डाउन कर दे, जो कि हमारे बलून्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। साथ में मैंने रॉयल चैंपियन को बैकअप के लिए साइड से छोड़ दिया है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंसिस को डाउन करने का काम करेगा और क्वीन को सपोर्ट करेगा। तो अभी हमारी क्वीन बहुत अच्छी वर्क करी है, लेकिन उसकी एबिलिटी आ गई, क्योंकि उसने किंग से फाइट की इनमी के। अगर आपकी क्वीन से इनमी के हीरोज का फाइट हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप उसके ऊपर फ्रीज डाल दीजिए, या फिर अगर आपके पास हेड हंटर है तो उसका भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपकी क्वीन की एबिलिटी आने से रोकेगा।
तो अभी तक हमने बहुत ही अच्छी वैल्यू निकाली है, लगभग 40% अराउंड। तो अब हम लावा लून स्टार्ट कर देंगे। आपको एक डिस्टेंस से तीन तीन चार चार बलून एक एक डिफेंसेस पे डिप्लॉय कर देने हैं और उसके पीछे से आपको लावा डिप्लॉय कर देना है। लावा सीधे एयर डिफेंस के पास जाएगा जो कि टैंकिंग काम करेगा, साथ में स्कैटर को भी बिजी रखेगा। आपको अपने हेस्ट का यूज स्प्लैश डैमेज के पास करना है जहां आपको स्प्लैश डैमेज हो रहा है, जैसे विजार्ड टावर और स्कैटर शॉट के पास। तो अभी तक हमारा अच्छा वर्क चल रहा है, एनिमी का टाउन हॉल अपग्रेड में था इसलिए एक्टिव नहीं हुआ, नहीं तो वो हमारे लून्स के साथ ही डाउन हो जाता। अब हमारा ड्रैगन इजीली टाउन हॉल को डाउन कर लेगा, लेकिन एनिमी का जो है रॉयल चैम्पियन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है हमारे बलून्स को। तो अभी हमारा ड्रैगन उसके पास चला गया जो कि उसको डाउन कर लेगा। अब कोई डिफेंसेस ज़्यादा बचे नहीं है, अब ये बेस इजीली ट्रिपल हो जाएगा। अगर इनमी का कोई रॉयल चैंपियन या फिर क्वीन बची है तो उसके ऊपर हेड हंटर का यूज कर देना है, हेड हंटर वार्डन की एबिलिटी के अंदर यूज करना है ताकि हेड हंटर इजीली उनको डाउन कर ले। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट अटैक की तरफ। जैसा कि आप बेस देख रहे हैं, इस बेस में हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल रही थी लगभग 9 o'clock की तरफ से, तो इसलिए हमने 9 o'clock से अटैक स्टार्ट किया और साथ में एक कोकोलून दे दिया जो कि एयर माइन को ट्रिगर करने का काम किया। इस बार हम डबल बेबी ड्रैगन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, किंग का यूज़ कर रहे हैं फनल क्रिएट करने के लिए कि हमारी क्वीन अंदर जाए और इनमी के स्कैटर शॉट मल्टी टारगेट और इनमी के क्वीन को डाउन करे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैवी वैल्यू होगी। रॉयल चैम्पियन भी पास में है तो दोनों जो बलून्स को परेशान करने वाले हीरोज हैं वो पहले ही डाउन हो जाएंगे, तो वो बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए। तो अभी हमारी क्वीन बहुत ही अच्छी वर्क कर रही है। जैसे ही इनमी की क्वीन हमारी क्वीन के पास आए, आपको रेज या फिर इनमी की क्वीन के ऊपर फ्रीज का इस्तेमाल कर देना है जिससे आपकी क्वीन की एबिलिटी ना आए और आपकी क्वीन की एबिलिटी ज़्यादा देर तक बची रहे। अभी तक हमारी क्वीन बहुत ही अच्छी वर्क कर रही है, उसने इनमी की क्वीन को डाउन कर लिया है। अब सिंगल टारगेट हमारे क्वीन को टारगेट कर रहा है इसलिए हमने सिंगल टारगेट के ऊपर फ्रीज का यूज़ कर दिया। हम वॉल ब्रेकर का यूज करेंगे ताकि वॉल ब्रेक हो जाए जिससे क्वीन हमारी सिंगल टारगेट की तरफ चली जाए और वहाँ से इनमी के टाउन हॉल को भी लेने की कोशिश करें, लेकिन हमारी क्वीन वॉल ब्रेकर की तरफ से नहीं गई, वो अपना ही वॉल ब्रेक कर रही है। फाइनली हमारी क्वीन ने वॉल ब्रेक कर दिया, अब सिंगल टारगेट को डाउन कर रही है। सिंगल टारगेट ज़्यादा डैमेज कर रहा था इसलिए हमने उसके ऊपर फ्रीज का यूज कर दिया, तो हमारी क्वीन की एबिलिटी के अंदर अब इजीली इनमी का टाउन हॉल आ जाएगा। तो अब हमें लावा लून स्टार्ट करना चाहिए, ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, 1.5 मिनट के नीचे समय पहुंच चुका है, तब भी हमें अब अटैक स्टार्ट कर देना चाहिए। हमने पीछे से रॉयल चैंपियन दे दिया क्योंकि हमें रॉयल चैंपियन का यूज इधर उधर नहीं करना था, इसलिए हमने पीछे से रॉयल चैंपियन यूज़ कर दिया। हमने इस बार स्टोन स्लैमर का यूज़ किया है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा स्टोन स्लैमर की जगह आप ब्लिम का यूज़ करिए जो कि आपका स्कैटर शॉट की तरफ जाएगा जो कि 6 o'clock की तरफ है और उसको डाउन कर लेगा, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बलून्स को और जल्दी जल्दी सारे बलून्स को खा जाता है। वहाँ आप एक ब्लिम का यूज करिए जो कि वो इजीली डाउन कर लेगा स्कैटर और मल्टी इन्फर्नो को, जो कि इजीली ट्रिपल होने का कारण बनेगा। तो ये रिक्स आपको अगर बार में कर रहे हैं तो आपको ये रिक्स नहीं लेना है। अगर आपकी क्वीन ने एक स्कैटर शॉट और टाउन हॉल को ले लिया है तो आपको सीधी बात है आपको ब्लिम से इनमी के सेकेंड स्कैटर शॉट को लेना है जो कि बहुत ज़्यादा स्प्लैश डैमेज देता है जिससे अटैक फेल हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये 2 रिप्लेज और हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं और कमेंट भी कर दीजिए कि मुझे वीडियो में क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और ये भी कमेंट करिए आपको नेक्स्ट कौन सी अटैक स्ट्रेटजी चाहिए और किसी भी टाउन हॉल का। तो बाय गाइस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।